नमस्कार। ये जो टेलीफोन आप देख रहे हैं, इसकी घंटी कभी भी बज सकती है कि आपको शहर के महापौर का चुनाव लड़ना है। इंदौर शहर का महापौर कैसा हो, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दावेदार तो तमाम सारे हैं, किस्मत का पिटारा किसका खुलेगा, किस्मत किसकी खुलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल महापौर कैसा हो, इस विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और महापौर के कार्य प्रणाली को लेकर, उसकी कार्यक्षमता को लेकर, जनता उससे क्या उम्मीद करती है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या लगता है राजा भाई, शहर को एक महापौर मिलने वाला आने वाले कुछ समय में, तो शहर की जनता की तरफ से आप क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए आपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है कि महापौर कैसा होना चाहिए। हम इस पे जिक्र नहीं कर रहे हैं महापौर कौन होना चाहिए, महापौर कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय शहर के लिए है। अब कैसा होने में उसका कार्यप्रणाली, पद्धति, विज़न, खुद का डॉक्यूमेंटेशन और खुद का एक दृष्टिकोण शहर को लेकर कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और आने वाले दिनों में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा रहेगा कि शहर का महापौर कैसा होना चाहिए। देखिए, मेरी नज़रों में इस शहर को अब पॉलिटिशियन की आवश्यकता नहीं है एज ए महापौर, अब इस शहर को एज ए CEO, MD के रूप में एक व्यक्ति काम करे, उसका विज़न एक, जैसे व्यक्ति कंपनी चलाता है तो कंपनी प्रॉफिट के लिए चलाता है, लॉस के लिए नहीं चलाता है। तो तमाम दायित्वों को निभाते हुए, मतलब चूँकि महापौर एक डेमोक्रेटिक पद है, समाज के तमाम लोगों को साथ लेकर, उनके वेलफेयर के साथ, शहर की बेसिक एनिमिटीज़ को पूरा करते हुए, शहर कैसे तरक्की करे, शहर कैसे ग्रो करे, शहर कैसे एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बने। क्योंकि देखिए, इंदौर जो नगर निगम है, अब उसके बॉन्ड लिस्टेड हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये शहर अपने आप में एक लिस्टेड कंपनी की तरह से भी तो काम कर रहा है ना सर। तो जब हमने कहा कि MD और CEO होना चाहिए, CEO की तर्ज पे काम करे, उसकी एक बैलेंस शीट की थ्योरी ये हो कि शहर में ग्रोथ कैसे हो, शहर का डेवलपमेंट कैसे हो, शहर को इसका लाभ कैसे मिले, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कोई व्यक्ति को पार्टी तय करती है, उसका खुद का अपना एक दृष्टिकोण होना चाहिए। जब आप 2022 से 2005 साल का टर्म आगे करोगे तो 2027 में बात करोगे आप। ये 5 साल शहर की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोविड में 2 साल हम वैसे ही खड़े रहे, स्टेगनेंट रहे, 2 साल देश दुनिया ने तरक्की नहीं करी। ऐसे में अब जब चुनाव हो रहे हैं तो महापौर का एक अपना दृष्टिकोण, विजन, एनर्जेटिक और जो भी उसके साथ एक कंपनी को चलाने के फार्मूले होते हैं, उसको शहर चलाने के फार्मूले आने चाहिए सर। बिल्कुल ठीक कहा राजा भाई आपने कि शहर को अब एक परिपक्व नेतृत्व की ज़रूरत है महापौर के रूप में। उसकी भूमिका शहर के CEO या MD की होना चाहिए नगर निगम के। और निश्चित तौर पर इंदौर नगर निगम ने जो काम किया है, जिस तरह से स्वच्छता की अगर हम बात करें, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ इंदौर नगर निगम धीरे धीरे जा रहा है, और चाहे वो फिर कचरे से पैसा कमाने, कार्बन क्रेडिट से पैसा कमाने की बात हो, कचरे से CNG गैस के उत्पादन की बात हो, और उस उत्पादन को से सिटी बसें चले, तो निश्चित तौर पर एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी के तौर के साथ मिलकर जा रहा है। और इस भूमिका को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक परिपक्व दूरदर्शी सोच वाला व्यक्तित्व ही शहर का नेतृत्व करे, बहुत ज़रूरी है। हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो शहर के नेतृत्व को लेकर बात कर रहे हैं, शहर के महापौर को लेकर बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से देश में, नहीं विश्व में, इंदौर शहर का नाम जाना जा रहा है, उसमें बहुत कुछ हद तक जो भूमिका है वो हमारे सिस्टम की है, हमारे प्रोसेस की है। तो वो व्यक्ति जो शहर का नेतृत्व करे, उसके पास इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और वो व्यक्ति इन सब चीज़ों को अच्छे से चला पाए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। मतलब देखिए, आपने जो सिस्टम का जिक्र किया ना, यही सबसे बड़ी बात है। सिस्टम से सरकार की ऐसी एजेंसियाँ, ऐसी बॉडीज चलती है, उसमें व्यक्ति तब मैटर करता है जब उसको सिस्टम का ज्ञान हो, सिस्टम में कैसे अपग्रेडेशन किए जा सकते हैं, कौन कौन से नए इनोवेटिव आइडियाज़ लॉन्च किए जा सकते हैं किसी शहर की तरक्की को बढ़ाने के लिए।
आज इंदौर देश दुनिया में एक अपने इंटरनेशनल नक्शे पे है कि इंदौर दुनिया का देश का सबसे क्लीनेस्ट शहर है भारत का। फिर आपने जो जिक्र किया सीएनजी वाले मॉडल पे, प्रधानमंत्री जी ने जो गैस का मॉडल लॉन्च किया था, वो एक देखिए ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक कंपनी की तर्ज पे काम तो कर रहा है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, पर वो काम कर रहा है अफसरों के माध्यम से। और अफसरों के साथ एक लिमिटेशन ये होती है कि वो एक ड्यू कोर्स पीरियड के बाद उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होकर जाना होता है, तो एक सिस्टम बना के जाते हैं। तो सिस्टम को जो पॉलिटिकल लीडर बैठता है उसका वो बाउंडेशन अकाउंटेबिलिटी होती है कि शहर को चलाना है, तो वो एक सीईओ के रूप में काम करे, मैनेजिंग डायरेक्टर रूप में काम करे, शहर को एक कंपनी के रूप में देखे, और जो कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर रहते हैं, मतलब शहर के नागरिक, उनकी केयर करें, उनको बेसिक एमिनिटीज पहुँचाएँ और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, चाहे वो पानी की हो, तमाम प्रकार के जो सड़कों के इशू हैं, वो एक अलग पार्ट है। और हमने देखा कि अभी तक जो लोकल बॉडीज़ होती थी, लोग सड़क, पानी और सीवरेज तक के लोग सीमित रहा करते थे, अब देखिए विजन बड़ा हो गया है, स्वच्छता के बाद कंपनियों के रूप में तब्दील होने लगी है। हमारे इंदौर एक लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बॉन्ड लिस्टेड है, वो भी एक बड़ा है। तो आप देखिए जब बाहर के प्लेयर उसमें पैसा लगाने को तैयार हैं, तो आपको एक ऐसा दृष्टिकोण तो चाहिएगा लीडरशिप के अंदर, जो केवल देखिए पॉलिटिशियन केवल फीता काट के रवाना हो सकते हैं, लेकिन लीडर जो है तो विजन रखते हैं, लीडर के साथ शहर चलता है। पॉलिटिशियन अपने स्वार्थ की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप हो तो लोग आपसे जुड़े रहते हैं। तो शहर के स्टेक होल्डर, शहर के शेयर होल्डरों को ख्याल रखते हुए इस शहर की तरक्की की राह पर खड़ा हुआ ये शहर, इसको जो भी व्यक्ति लीड करे उसका अपना विजन होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की, सिस्टम का जानकार होना चाहिए। यदि सिस्टम का व्यक्ति जानकार होगा तो उसको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपने स्वच्छता की बात करी, हमको जिक्र करना चाहिए कि स्वच्छता में सबसे पहले सिस्टम किसने बनाया, तत्कालीन निगम आयुक्त मनीष सिंह ने सिस्टम बनाया ना। एक लोकल बॉडीज में आदमी रोज मटके फूटते हैं पानी के क्राइसिस को लेकर, झाड़ू नहीं लग रहा है, सफाई नहीं हो रही, ड्रेनेज भरा पड़ा है, इसको लेकर उलझा रहता था, लेकिन उसने सिस्टम बना दिया। सिस्टम बना दिया तो सिस्टम के तहत शहर आज 5 बार तो नंबर 1 आ चुका है। तो लीड करने वाले लोग समय अनुसार बदलते गए, लेकिन सिस्टम मस्ट है। तो सिस्टम पॉलिटिकल व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति बैठेगा उसको सिस्टम को समझना होगा सर। और ये शहर आज देखिए, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बड़ा मॉडल है। मुझे याद आता कैलाश विजयवर्गीय जब महापौर थे तो इस दृष्टिकोण से काम करा करते थे। 20-25 साल से अपन कवर कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो हम देखते थे PPP मॉडल कैलाश विजयवर्गीय लेकर आए, बॉन्ड सड़क का मॉडल कैलाश विजयवर्गीय लेकर आए जब महापौर थे। और मैं बहुत मतलब पुख्ता जानकारी से कह सकता हूँ कि ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का मॉडल कैलाश विजयवर्गीय लेकर आए थे जब वो महापौर थे। और कैलाश विजयवर्गीय ने दक्षिण एशिया महापौर सम्मेलन कराया था कि साउथ एशिया के पूरे महापौर हमारे इंदौर आए, उन्होंने मॉडल को देखा और कैसे शहर तरक्की करे। तो पुराने लोगों का एग्जाम्पल स्टेब्लिश करना चाहिए कि किन लोगों ने शहर की तरक्की में कॉन्ट्रीब्यूट किया, किन का क्या विजन था। आज हम जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ये शहर स्वच्छ पहले भी हुआ करता था, रात को सड़कें पानी से धुला करती थी, ध्यान हो तो आपको। बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आज को नायाब कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम बना, कॉन्स्टेंट बना, मॉनिटरिंग हुई प्रॉपरली, मॉनिटरिंग हुई के ऊपर अधिकारी नियुक्त किए गए, तो एक सिस्टम काम करने लगा। तो आप तमाम उन महापौरों के भी कॉन्ट्रीब्यूशन को काउंट कीजिए जिन्होंने शहर को लीड किया है, उन अफसरों के कॉन्ट्रीब्यूशन को काउंट कीजिए जिन्होंने शहर को लीड किया है, और सबसे बड़ी बात शहर का सिटीजन एंगेजमेंट शिप। ये शहर अब चॉकलेट का पन्नी रेपर फेंकने में सोचता है कि सड़क पर फेंके कि नहीं फेंके। बहुत मतलब बहुत कॉन्शियस और बहुत अलर्ट हो गया हमारा नागरिक। तो ऐसा में उसको लीडरशिप की आवश्यकता है, और बिजनेस लीडर होना चाहिए शहर को, बिजनेस लीडर मिलना चाहिए जो शहर को बिजनेस के रूप में आगे बढ़ा सके। बिल्कुल सही कहना राजा भाई आपका, यहाँ एक आर्थिक पहलू की बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हम आज से 15 साल पहले 20 साल पहले तक लगातार अखबारों में ये पढ़ते रहते थे कि इस बार इंदौर नगर निगम में तनख्वाह नहीं बैठेगी, घाटे का बजट तो अपनी जगह हर साल आता ही था, आज भी आता है, तनख्वाह नहीं बैठेगी। हर महीने एक ऐसी समस्या खड़ी होती थी, राज्य सरकार से राजस्व नहीं प्राप्त हुआ है, चुंगी का नहीं मिला है, इसका नहीं मिला है, विभिन्न मद में जो पैसा आता था वो नहीं मिलता था, और राज्य सरकार के पास भी इतना पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता था। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में इस स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है, नगर निगम स्वयं खुद सेल्फ डिपेंडेंट एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ रही है, और ये जो बजट पेश होता है घाटे का फायदे का जो भी चीज़ें एक आंकड़ों की बाजीगरी कह सकते हैं उसको जो चलती है, मेरा ऐसा मानना है कि इस आने वाले 5 साल में इंदौर नगर निगम के विकास का जो मॉडल बने, उसकी कार्यप्रणाली का जो मॉडल बने, वो इस तरह से बने
कि नगर निगम अपने स्वयं के खर्चे की पूर्ति करने में सक्षम हो, उसके पास इतना पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो, इतना आवक हो, इतने फाइनेंशियल्स उनके पास हो कि जब भी नगर निगम सैलरी बांटना चाहे, कुछ काम करना चाहे, वो काम कर पाए। इस समय शहर का जो विकास है वो प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में काफ़ी विकास हो रहा है, उसके लिए अलग से धन आ रहा है, तो वो बर्डन नगर निगम के पास नहीं है। लेकिन नगर निगम की जो बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं उसको अगर सही करना है, उनसे अगर छुटकारा पाना है, तो शहर को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, इसकी तरफ जाना होगा। और उसमें अलग अलग तरीके से नगर निगम को कैसे आय हो पाए, इस बारे में विचार करने वाला महापौर जरूर चाहिए। बिल्कुल, देखिए होता क्या रहा है कि पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स मेजर रेवेन्यू का जो पार्ट होता है टैक्स ही होता है कि कॉरपोरेशन को जो टैक्स मिलता है, वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, तमाम प्रकार के जो टैक्सेस हैं उससे मिलता है, लेकिन वो फिक्स है, जितना मिलना है उतना मिलता है। और उसमें देखिए कुछ स्ट्रिक्ट रिकवरियाँ हुई, इसके कारण थोड़ा पैसा लोगों को टाइम पे मिलने लगा। पहले क्या होता था, बैड डेब्ट चले जाता था, लंबे समय तक लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते थे, और जो अफसर और बाबू थे वो भी परवाह नहीं करते थे कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। लेकिन जब मॉनिटरिंग हुई, मालूम पड़ा 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोगों के ड्यू हैं, प्रॉपर्टियाँ सील होने लगी, तो लोगों ने टैक्स भरना शुरू किया। डर, लोगों को भय हुआ कि यदि टाइम पे पैसा नहीं भरेंगे तो जैसे बिजली कटती है वैसे हमारे यहाँ पे ताले लग जाएंगे, सील हो जाएंगे। तो जब हम बिजली का बिल टाइम पे नहीं भरते हैं तो दूसरा महीना का ड्यू होते से हमारे यहाँ बिजली काटने वाले लोग आ जाते हैं। तो ये जब बिजली काटने का डर हमको लगता है कि कट जाएगी बिजली, वैसे लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सरकारी ढर्रे के रूप में देखते थे, ठीक है भर रहे हैं तो ठीक है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी मॉनिटर करती है अपने बैड डेब्ट्स को, कहाँ पैसा डूब रहा है, कहाँ एनपीए हो रहा है, जैसे बैंक मॉनिटर करती है कहाँ एनपीए हो रहा है, किसको नोटिस इशू किया जाए, किसको तहसीलदार का नोटिस इशू किया जाए, वैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी उस तरह से काम करने लगा। काम करने लगा तो टैक्स मिलने लगा, टैक्स मिलने लगा तो रेवेन्यू भी बढ़ने लगे। लेकिन देखिए अभी हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कॉरपोरेट कैपिटल इंदौर स्टार्टअप कैपिटल बनने जा रहा है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल इनको तैयार करने होंगे जिससे इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो। रेवेन्यू में ग्रोथ हो तो शहर तरक्की करेगा, शहर का पैसा शहर में लगेगा और आपको बेसिक एनिमिटीज़ के साथ शहर को नई चीज़ें आपको मिलेगी। बिल्कुल सही कहना है। बहरहाल हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो मंशा है, और मुझे लगता है कि राजा भाई भी इस बात से सहमत है कि शहर का महापौर कैसा हो, उसके पास एक विज़न हो शहर को लेकर, एक विज़न डॉक्यूमेंट उसके पास ज़रूर होना चाहिए, और एक उसके मन मस्तिष्क में शहर के विकास को लेकर एक ऐसी रूपरेखा तैयार होना चाहिए कि शहर किस दिशा में आगे जाएगा, शहर की दशा और दिशा तय करेगा। तो उसको राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो उसकी छवि है, उनसे अलग हटके महापौर चुने जाने के बाद महापौर कम CEO कम CMD शहर के इंदौर नगर निगम के तौर पर कार्य करना होगा। तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी राजा भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसमें एक इशू रेट करता हूँ, देखिए महापौर प्रथम नागरिक के रूप में होता है किसी भी शहर का, और प्रथम नागरिक जब भी कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आता है उनको रिसीव करने जाते हैं, प्रथम नागरिक कॉरपोरेट लोगों के साथ बैठ के कन्वर्सेशन करते हैं, कॉरपोरेट एम्बियंस कैसे जनरेट हो, डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी पॉलिसीज़ को समझ रखते हैं। तो अब समय बदल रहा है, अब समय आपको उनकी भाषा भी समझना होगी, आपको उनके एस्पेक्ट भी समझना होंगे, आपके पास लॉजिकली कुछ क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, कन्वर्सेशन भी होना चाहिए कि नहीं ये हमारे शहर के लिए ठीक है, ये हमारे शहर के लिए नहीं है। पूरी सरकार अफसर चलाएंगे तो फिर पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई रोल नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा आप। और अफसर परमानेंट नहीं होते हैं, कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई लंबा टर्म रहता है, लेकिन केवल अफसरों के भरोसे महा सरकार नहीं चल सकती ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उनका अपना काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन आपकी खुद की समझ होना चाहिए। तो ऐसे लोग जब बैठेंगे, कॉर्पोरेट डिस्कशन होंगे, प्रेजेंटेशन होते हैं, स्लाइड शो होती है, आपको इंटरनेशनल डेलीगेशन से फेस करना पड़ते हैं, आपको बाहर इनाम लेने और देने जाने पड़ते हैं, तो आपका सबका एक अच्छा विजन होना चाहिए और आपकी खुद का एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि किस शहर में क्या नई चीज़ उसको अडॉप्ट कैसे किया जाए। तो देखिए बिजनेस क्लास व्यक्ति क्या करता है, जहाँ से जाता कुछ उठा कर लाता है, विजन उठा के लाता है, दृष्टिकोण उठा के, वैसे पॉलिटिकल लोगों को भी करना होगा, तो वो एक दृष्टिकोण तो आपके अंदर लगेगा सर, जो बिजनेस लीडर की आवश्यकता रहेगी शहर को। बिल्कुल ठीक है, तो आने वाले समय में इंदौर शहर को नया महापौर मिलेगा। हम जो उम्मीदें इस शहर के प्रथम नागरिक से करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि शहर के विकास, शहर की दशा दिशा को लेकर जो व्यक्ति काम करे उसे शहर का महापौर बनना चाहिए। बहरहाल
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।